नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ज्योति की साधना करने वाले साधक, मनुष्य चेतन है, पदार्थ अचेतन। चेतन की समस्या का समाधान अचेतन नहीं कर सकता, वह समस्या के समाधान में निमित्त बन सकता है, पर उपादान नहीं बन सकता। मनुष्य के जीवन में वह सामाजिक जीवन जीता है, राजनीतिक जीवन जीता है, पारिवारिक जीवन जीता है, संबंधों का जीवन जीता है, समस्याएं भी अनेक प्रकार की पैदा हो जाती है। राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या और चैतसिक समस्या, प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। उन सब का समाधान किसी एक से किया जा सके यह संभव नहीं। यदि राजनीतिक समस्या है, समाधान राजनीति के स्तर पर खोजना होता है। आर्थिक समस्या है तो उसका समाधान आर्थिक स्तर पर खोजना होता है। धार्मिक समस्या है तो उसका समाधान धार्मिक स्तर पर खोजना होता है। और चैतसिक समस्या है तो उसका समाधान अपने भीतर खोजना होता है। तो अनेक समस्याएं और अनेक समाधान के सूत्र, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सब समस्याओं का एक साथ समाधान कर सके। हमें इस बिंदु पर विभज्यवाद का सहारा लेना होता है। विभज्यवाद हर समस्या को विश्लेषित करके देखो, विश्लेषण के साथ, संश्लेषित मत करो, मिलाओ मत, बेजड़ मत करो। रोटी में बेजड़ किया जाता है, गेहूं और चना मिला दिया जाता है, बेजड़ की रोटी बन जाती है। खिचड़ी पकाई जाती है, दो अनाज मिल जाते हैं, किंतु समस्या के समाधान में ये बेजड़ वाली पद्धति काम नहीं देती। वहाँ अलग अलग कोण से उसे सोचना और देखना होता है। इस स्थिति में हमारी दृष्टि बहुत साफ है कि अध्यात्म का काम है आंतरिक समस्याओं को समाधान दे, भीतरी समस्याओं का निराकरण कर, बस इतना काम हो सकता है। दुनिया भर की समस्या के समाधान का ठेका कोई ले नहीं सकता, और यह ठेकेदारी कोई करता है तो वह जनता को भ्रम में डालता है, धोखे में रखता है। एक बात बहुत साफ है कि जब आंतरिक समस्या का समाधान होता है तो बाहर की सारी समस्याओं को सुलझाने में सुविधा बहुत हो जाती है। समस्या को उलझाता कौन, ये जटिलता कौन पैदा करता है? राजनीतिक समस्या है, पर राजनीतिक समस्या को पेचीदा कौन बनाता है, उलझाता कौन है? आदमी
आदमी का मस्तिष्क वही तो उलझाता है। आर्थिक समस्या को कौन उलझाता है? आदमी का मस्तिष्क। एक व्यक्ति इतना संग्रह कर लेना चाहता है कि दूसरों के लिए समस्या बन जाए। एक इतना ऊंचा पहाड़ चिन लेता है कि दूसरी जगह बहुत खड्डे बन जाए। आखिर उलझाने वाला फैक्टर कौन? वह तत्व कौन है जो सारी समस्याओं को गांठ दे देता है, उलझा देता है? का दिमाग, मनुष्य का मस्तिष्क। अगर उसको सुलझा दिया जाए तो सारी समस्याओं के सुलझने में बहुत सहयोग मिलता है, सुविधा हो जाती है। तो हमने इस मूल बात को पकड़ा है कि सारी समस्याओं की जड़ में एक समस्या है, वह है मानव का मस्तिष्क, मानवीय मस्तिष्क। अगर उसको ठीक किया जाता है तो समस्या बहुत सुविधा से हल हो सकती है। इस कोण से विचार करें तो चैतन्य के विकास की बात हमारे सामने प्रमुख बन जाती है। विकास कर लिया तो सारी समस्याओं के समाधान का दरवाजा हमने खोल दिया। और यदि एक चैतन्य का विकास नहीं किया तो सारी समस्याओं को उलझने का अवसर हमने प्रस्तुत कर दिया। इस निष्कर्ष को केंद्रीय मानकर और परिधि में सारा चिंतन करें परिधि में सारा चिंतन करें तो बात बहुत साफ हो जाती है। आदमी को विस्तार में जाना होता है, विस्तार में गए बिना बात पूरी समझ में नहीं आती। मुल्ला फखरुद्दीन बहुत प्रसिद्ध था अपने वाक चातुर्य के लिए। इतना होशियार था कि दूसरे लोग उसकी बात में उलझ जाते। प्रसंग आया कि कानून की गिरफ्त में आ गया, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया। बहस छिड़ी। अब मुल्ला बोलता है तो न्यायाधीश चकरा जाता है। न्यायाधीश ने कहा, मुल्ला तुम इतने वाक चतुर हो कि हर बात को उलझा देते हो, हमारे लिए भी समस्या पैदा हो जाती है, तो तुम थोड़े कम बोलो, एक काम करो आज कि मैं जो पूछता हूं बस केवल हां या ना, इन दो में उत्तर दो और ज्यादा इसको जटिल मत बनाओ, पेचीदा मत बनाओ। क्या? मुल्ला बोला, आप बात तो ठीक कहते हैं किंतु आपने तो सौगंध दिलाई मुझे कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। या तो इस सौगंध को उठा तो मैं हाँ या ना में उत्तर दे दूंगा। अगर ये सौगंध है तो मुझे बात को विस्तार से कहना होगा, बढ़ाना होगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं। उसने कहा, ऐसी क्या बात है, ये तो हो सकता, हाँ ना में तो हर बात को कहा जा सकता है। मुल्ला बोला, नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता,
न्यायाधीश भी अपनी जिद पर था कि कहा जा सकता है, मुल्ला कहता नहीं कहा जा सकता, दोनों अड़े हुए। मुल्ला बोला कहा जा सकता है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप उसका उत्तर दे दें और फिर मैं भी हाना में उत्तर दूँ। उसने कहा कहो ऐसी क्या बात है। मुल्ला बोला मुझे एक बात का आप उत्तर दें, आपने अब आज से अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया या नहीं, केवल हाँ या ना में उत्तर दें। आप उत्तर दें कि पत्नी को पीटना बंद किया या नहीं किया, कर दिया। अब न्यायाधीश महोदय बड़ी उलझन में फंस गए, अब क्या कहे कि हाँ हाँ, इसका मतलब कि पीटता था अब बंद कर दिया, और ना इसका मतलब भी पीट रहा हूं काम चालू है। बड़ी मुसीबत हो गई, केवल हाँ या ना में सारी बात कही भी जा सकती है किंतु नहीं भी कही जा सकती। विश्लेषण करना होता है, विभाजन करना होता है। यदि आप पूछें कि अध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हो सकता है नहीं कहा जा सकता, नहीं हो सकता है नहीं कहा जा सकता, हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस बात को विश्लेषित करना होगा, विश्लेषण और विभज्यवाद के सहारे इसका प्रतिपादन करना होगा।